अंडर 19 में हमने बहुत सुपरस्टार्स को देखा है, लेकिन उनमें से कुछ ही हैं जो मीडियम पेसर ऑलराउंडर राज बावा जैसे हैं। वैसे तो राज बावा को पूरे अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सब जान चुके हैं, लेकिन आज हम उन्हें जानेंगे कुछ करीब से। राज बावा 13 साल की उम्र तक एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। क्लास में वो अच्छे मार्क्स भी ला रहे थे, लेकिन एक दिन धर्मशाला में एक इंटरनेशनल मैच का आयोजन हुआ और राज उसे देखने अपने पिता के साथ पहुंच गए। ये मैच राज में एक बदलाव लेकर आया और उनके पिता सुखविंदर ने भांप लिया कि उनके बेटे ने क्रिकेटर बनने की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है। राज के पिता ने एक इंटरव्यू में कहा था, उसने 11 या 12 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया। इससे पहले उसकी इसमें कोई रुचि नहीं थी। उसे टीवी पर पंजाबी गाने सुनना और नाचना बहुत पसंद था। वह मेरे साथ दौरे पर धर्मशाला गया और उसने कई कड़े मुकाबले देखे। इसके बाद उसने टीम बैठक में मेरे साथ जाना शुरू किया और वहां से उसकी क्रिकेट में रुचि जागी। इसके बाद उसने इसे गंभीरता से लेना शुरू किया। राज ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में 31 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे। इसके अलावा 54 गेंदों पर 35 रन की उपयोगी पारी भी खेली थी। इस पूरे टूर्नामेंट में राज ने 6 मैचों में 9 विकेट हासिल किए और वहीं 251 रन भी बनाए थे। आपको बता दूं कि राज के पिता ने सैकड़ों खिलाड़ियों के कौशल को निखारा था और इसमें से एक खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नाम कमाया और वो खिलाड़ी था युवराज सिंह। बचपन में राज अपने पसंदीदा खिलाड़ी युवराज को अपने पिता के साथ पूरे दिन कड़ी मेहनत करते हुए देखते थे और इसी तरह राज को एक नया आदर्श मिला। युवराज की तरह 12 नंबर की जर्सी पहनने वाले राज ने कहा, मेरे पिता ने युवराज सिंह को ट्रेनिंग दी। जब मैं बच्चा था तो उन्हें खेलते हुए देखता था। मैं बल्लेबाजी में युवराज सिंह को दोहराने की कोशिश करता था। मैंने उनकी बल्लेबाजी के वीडियो देखे और वो मेरे आदर्श हैं। राज बावा पर युवराज सिंह का इतना अधिक प्रभाव था कि दाएं हाथ से सारे काम करने वाला एक खिलाड़ी ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह बाएं हाथ से बल्लेबाजी नहीं करे, क्योंकि उनका हीरो बाएं हाथ का बल्लेबाज था। सुखविंदर ने बताया, जब वह बच्चा था तो युवराज को देखता रहता था, जो नेट अभ्यास के लिए अकेडमी में आता था, और बच्चों पर उनके पहले हीरो का गहरा प्रभाव होता है। इसलिए जब राज ने बल्ला उठाया तो बाएं हाथ से उठाया, लेकिन इसके अलावा वह गेंदबाजी, थ्रो सभी कुछ दाएं हाथ से करता है। मैंने इसमें सुधार का प्रयास किया, लेकिन जब मैं उसे नहीं देखता तो वह फिर से बाएं हाथ से बल्लेबाजी करना शुरू कर देता था, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। राज ने जब बल्लेबाजी शुरू की और पंजाब की सब जूनियर टीम में जगह बनाई, तब उनके पिता ने फैसला किया कि उनके बेटे में अच्छा तेज गेंदबाज बनने का भी कौशल है। सुखविंदर ने कहा, शुरुआत में गेंदबाजी के प्रति उसका रुझान अधिक था, क्योंकि मैं भी तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हुआ करता था, लेकिन मैं इसमें संतुलन चाहता था, इसलिए शुरुआत में मैंने उसे गेंदबाजी से रोक दिया। करीब 5 साल तक मैंने उसे बॉलिंग नहीं करने दी। मैंने उसकी बल्लेबाजी पर अधिक ध्यान दिया, उसे बल्लेबाज के रूप में तैयार किया। मैं चाहता था कि वह मुश्किल लम्हों में भी अच्छा प्रदर्शन करे। तो ये तो थी कहानी राज बावा की, जिन्होंने अंडर 19 विश्व कप में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सभी को आकर्षित किया। माना यह भी जा रहा है कि आईपीएल के मेगा ऑक्शन में राज बावा की बोली करोड़ों तक जा सकती है। अब देखना यह होगा कि आईपीएल से होते हुए राज बावा कितनी जल्दी टीम इंडिया में जगह बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। शुक्रिया।